तो हेलो दोस्तों, देख लीजिए हमारे दुकान पर एक समरसेबल आ चुका है दोस्तों। V4 समरसेबल है, 3 HP 3 फेस में दोस्तों। तो आपको बतलाएंगे इसमें खोल कर क्या दिक्कत है। पहले 5 NM का एल की लेगा, इसके बाद बतलाएंगे क्या इसमें दिक्कत है, ठीक है। वीडियो एंड तक देखिएगा दोस्तों, वीडियो फॉर्मेटिंग होने वाला है। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए पिन जो है इसमें एल की लगा रहता है, ऐसे हम खोल दिए हैं। खोलने के बाद देखिए रोटर पूरा जाम हो चुका है। आपको पहला कारण बताते हैं मोटर में फॉल्ट होने के क्या कारण है। तो पहला कारण बतलाते हैं, देख लीजिए केबल है जो इसमें हम टाइपिंग करते हैं कच्चे टेप से, उसके बाद अपने टेप को वाइंडिंग करते हैं अच्छी तरह से ताकि इसमें पानी ना जाए और शॉर्ट ना करे दोस्तों। तो इसे हम टाइपिंग अच्छी ढंग से करना चाहिए ताकि आपस में तार शॉर्ट ना करे, इसलिए इसे टाइपिंग अच्छी तरह से करना चाहिए। पहला कारण है कि अच्छी तरह से हम टाइपिंग नहीं करेंगे तो मोटर फॉल्ट कर देगी। अब दूसरा कारण बताते हैं, दूसरा कारण बतलाएंगे जब ये मोटर खुल जाएगा अच्छी तरह से दोस्तों। देख लीजिए हम पिछले वाला हिस्सा को खोल चुके हैं दोस्तों, और देख लीजिए पिछले वाला हिस्सा को खोल चुके हैं तो पूरा अंदर से भी एल की लगा रहता है दोस्तों। पूरा 5 mm के ही एल की से ही खोलेगा दोस्तों, जो 5 mm के लिए हैं खोलने वाला एल की उसे ही खोलेंगे। खोलने के बाद से अंदर वाला भाग को बतलाएंगे इसमें क्या दिक्कत है, मोटर फॉल्ट है या नहीं है, इसे भी खोल लेंगे। पूरा पास से खुल जाएगा दोस्तों, यहाँ से चिनाटी दिया गया है, यहाँ से लॉक है, इसे खोल लेंगे। खोलने के बाद आपको बतलाएंगे क्या दिक्कत है। और बताते हैं आगे क्या दिक्कत है, तो देख लीजिए आगे वाला भाग है जो इसमें से केबल निकला है उसे पैक किया गया है दोस्तों, कि कोई इसमें कोई गिट्टी या बालू ना अंदर जाए ताकि बुश कटने से बचाए, इसलिए इसे हम पैकिंग कर देते हैं अच्छी तरह से, उसे कस दिए हैं। इसे खोलेंगे, खोलने के बाद फिर से एल की अंगला भाग जो है खोल देंगे और बतलाएंगे इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसे पिछले वाला भाग को देख लीजिए खोल दिया है, अंगला भाग खोलेंगे अभी। देखिए कार्बन प्लेट है जो इस पर रगड़ता है, इसे कार्बन प्लेट पर रगड़ता है, देख लीजिए जो काला सा है वह कार्बन प्लेट कहा जाता है, जो स्टील है उस पर रगड़ता है, ठीक है। ये खुल गया दोस्तों, देखिए पूरा खुल चुका है अच्छी तरह से। देखिए अब इसमें भी एल की है जो 3 LK लगाया गया है, उसको पूरा एल की पर ही कसा गया है, बिना एल की का नहीं कसा जाएगा, ठीक है। ये गुना पर नहीं है, पूरा एल की पर है, और एल की पर आता है दोस्तों तो इसे ठोकना पड़ेगा, ठीक है। देख लीजिए अभी हम रोटर निकाल रहे हैं, रोटर निकालेंगे इसमें बतलाएंगे क्या दिक्कत है। ये रोटर है, देखिए इसमें तार एक आध वो फॉल्ट जरूर किया है दोस्तों, या बॉडी अर्थ बता रहा है, इसे बॉडी अर्थ को ठीक करेंगे, इसे ठोक लेंगे, ठोक कर निकालेंगे। देखिए खोलेंगे यहाँ से भी खुल जाएगा, यहाँ बॉडी है यहाँ से भी खुल जाएगा, पूरा सिंगल बॉडी हो जाए, ठीक है। बाहरी बॉडी से हम इसे वाइंडिंग करते हैं तो पूरा निकल जाएगा, सिर्फ सिंगल बॉडी हो जाएगा, बीच में स्टील है वो भी रह जाएगा। देख लीजिए हम खोल चुके हैं, तो कनेक्शन है यहाँ से, लगता है फॉल्ट कर दिया है। इसे कनेक्शन को भी दिखाएंगे दोस्तों, खोलेंगे दोस्तों। समरसेबल वायर फॉल्ट होने का कई कारण है, अगर हम कोई भी सिरा वाइंडिंग करने में गलत डाल देते हैं तो वायर फॉल्ट कर देते। देख लीजिए वायर है जो कल्ला सा एक फॉल्ट कर दिया है दोस्तों। हम जानते थे कि वायर ही फॉल्ट किया है, जब समरसेबल गर्म होता है और कंडेंसर फाड़ता है दोस्तों तो वायर गर्म हो जाता है और समरसेबल फॉल्ट होने के चांस ज़्यादा बनी रहती है। दिखा देते हैं, देख लीजिए यहाँ तो फॉल्ट कर ही चुका है। अब कनेक्शन दिखा देते हैं, कनेक्शन में क्या दिक्कत है, कनेक्शन फॉल्ट है या नहीं, अभी कनेक्शन को हम खोल रहे हैं, ठीक है। अब रोटर के बारे में बतलाएंगे, जो चिकना सा है इस पर हम इसमें बूस्ट लगता है, ठीक है। बूस्ट को आपको दिखाएंगे बूस्ट कहाँ रहता है और बूस्ट किस में ठोका गया है, ठीक है। देख लीजिए ये बूस्ट वाला है जो इसमें बूस्ट लगाया गया है दोस्तों, पूरा बूस्ट कट जाता है दोस्तों तो मोटर गर्म होने लगती है और मोटर फॉल्ट कर देता है। अभी दिखा रहे हैं हम बूस्ट कटा है या नहीं, ठीक है। मोटर फॉल्ट होने का एक और कारण है, अगर हम सही ढंग से मोटर फिटिंग नहीं करते हैं तो मोटर फॉल्ट कर देगा ज़्यादा जाम के कारण। यह बूस है जिसमें फिटिंग की गई है दोस्तों, आगे पीछे दोनों बूस रहता है, जो इसमें कार्बन प्लेट लगा हुआ है, देख लीजिए काला सा है वो कार्बन प्लेट है, इसमें भी ज़्यादा ढक नहीं होना चाहिए नहीं तो पूरा घिस देगा दोस्तों और मोटर फॉल्ट कर देगी।
ये समरसेबल मोटर है, थोड़ा भी दिक्कत आएगा तो फॉल्ट कर देगा, इसे पानी अंदर चलना चाहिए। ठीक है, देखिए अभी हम कनेक्शन खोल दिए हैं, सब कनेक्शन निकाल दिए। ठीक है, आपको बतलाएँगे कहाँ फॉल्ट किया गया है दोस्तों, तो ये गलती कभी नहीं करना है, अच्छी ढंग से वाइंडिंग करना है और फॉल्ट को दूर करना है। ये पूरा वायर फॉल्ट कर दिया है, एक स्लॉट में का पूरा वायर फॉल्ट कर दिया है और एक फॉल्ट कारण पूरा मोटर को निकालना पड़ेगा, वायर को निकालना पड़ेगा। देख लीजिए फॉल्ट कर दिया है, यहीं पर दो तीन वायर फॉल्ट कर दिया है, जो इस पर कवर है पूरा जल चुका है, इसमें वायर है जो वो भी जल चुका है, एक कॉपर वायर से वाइंडिंग की गई है दोस्तों। तो दोस्तों इस कमी को दूर कीजिए और मोटर सही ढंग से फिटिंग करिए, मोटर अच्छी ढंग से चलेगा दोस्तों। ठीक है,